महाकाल दोस्तों, मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री हमारे यूट्यूब चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम हिमालय पर्वत की तीसरी स्तर चोटी महाकालेश्वर जी स्थान पर आए हैं और हमारे साथ में केदारनाथ से स्पेशल मैंने अपने जो हमारे और जो हमारे बड़े तांत्रिक है इनको बुलाया है कार्य को सिद्ध करने के लिए। आज जो वशीकरण का हम जो कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं, ये हिमालय पर्वत पूरा चारों तरफ बर्फ से गिरा पड़ा है और आज हम एक वशीकरण का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग कार्य को सिद्ध करने जा रहे हैं। आज हमें एक शिव की जो प्रतिमा होती है, जो बर्फ से गिरी होती है, इस प्रकार से आपको एक शिवलिंग का स्थान मिलना चाहिए। ये सिर्फ आपको हिमालय पर्वत की तीसरी चोटी पे आपको स्थित मिलेगा और वहीं पे आपका ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। और ये वशीकरण का सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ और सबसे पावरफुल ये प्रयोग है और इस प्रयोग को इस जगह पे आप करते हो तो 100% आपको इस कार्य को सिद्ध करने में आपको सहायता मिलेगी। इसका आपका कार्य 100% सिद्ध होगा और आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो या आपका कोई भी रिश्तेदार हो जिसके कारण आप उसको कोई भी 50 जगह भटक चुके हो, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास, अगोरी के पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ भटक चुके हो और आपका कई कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप अगर इस कार्य को इस प्रकार से जो प्रयोग की तरह हम बता रहे हैं और इस जगह पे आप इसको करोगे तो 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी। और ये कार्य किस प्रकार से सिद्ध होता है आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है या जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण आप करने जा रहे हो उसके ऊपर आपको उसके कपड़े का आपका एक छोटा सा ऐसा पुतला बना देना है। पुतला बनाने के बाद में उसकी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होती है उसकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को आपको इसके अंदर पहले से डाल देना है और इसको सिलाई करके चारों तरफ से इसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दो ऐसी आपको लकड़ी लेनी है, गीली लकड़ी, ऐसे गिरी को एक आपको अपने नाम से इस तरह रख के आपको इस प्रकार से रख देना है और दूसरी लकड़ी जो आप जिसके ऊपर वशीकरण करने जा रहे हो, जिसको आप परिसिद्ध करने जा रहे हो, उसके नाम से आपको इस प्रकार से यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको जो जो ये कस्तूरी होती है, इस कस्तूरी को आपको प्रयोग में लेना है और तभी बिना कस्तूरी के ये कार्य आपका असफल है। इस कस्तूरी से आपको ये सारा कार्य आपका पूर्ण होगा, तंत्र साधना से और माँ भोलेनाथ की कृपा से आपका सब ये कार्य को हम पूर्ण तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको लगाने के बाद में फोटो और कपड़े से आपको इसको पूरा कंप्लीट पुतला बनाने के बाद में जो मैं आपको मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आपको कम से कम 1071 बार संध्या के समय या रात्रि 7 से 12 बजे के समय या फिर संध्या के 3 से 5 बजे के समय इस कार्य को आपको पूर्ण करना है। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय मम यजमानस्य, जिसके मम यजमानस्य मतलब जिस आप खुद, जैसे कि हमें आपका जैसे राहुल नाम है, राहुल वशीकरण आए जिसके ऊपर वशीकरण आप करने जा रहे हो, जैसे कि सीमा नाम की लड़की ऊपर वशीकरण करने जा रहे हैं, सीमा, ओम बट स्वाहा स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय मम यजमानस्य राहुल वशीकरणाय सीमा ओम बट स्वाहा, इस प्रकार से आपको कम से कम 1000 बार से आपको 1071 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद में जब ये पुतला भोलेनाथ की कृपा से सिद्ध हो जाएगा और आपका वशीकरण की सारी शक्तियाँ इसके अंदर असर कर जाएगी, तब आपको क्या करना है, इस पुतले को एक जो घना बर्फ होता है उसके अंदर थोड़ा खड्डा खोद के आपको इस पुतले को डाल देना है उस लकड़ी के साथ में। और जो ये कस्तूरी होती है, कस्तूरी को 3 बार आपको आप खुद का और अपने प्रेमिका का नाम डाल के आपको इसके अंदर डाल देना है और इसको पूरी तरीके से बूर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों 7 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो या जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण आप करने जा रहे हो, ये कार्य आपका सिद्ध होगा, ये सफल बनेगा और गारंटेड इस कार्य को पूर्ण करने में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या मंत्र या किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए होती हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर दे रखा है। और किसी भी आपके लिए और भी नए नए वशीकरण के प्रयोग केदारनाथ के स्थान पे, बद्रीनाथ के स्थान पे और बड़ी बड़ी जगहों पे जाके आपके लिए बड़े बड़े प्रयोग हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर शो हो सके। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।